हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म को देश भर से लोगों का प्यार मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज के 3 दिन में ही वर्ल्ड वाइड 173 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई कर डाली है। हालांकि इसके साथ साथ फिल्म के साथ एक विवाद जुड़ गया है, जिसके बाद मेकर्स को बड़ा कदम उठाना पड़ा। दरअसल फिल्म पुष्पा में एक रोमांटिक सीन था, जिसमें अल्लू अर्जुन का किरदार पुष्पराज एक वैन में अपनी प्रेमिका श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना को पहले किस करने को कहता है और फिर छाती पर टच करता है। इस पर श्रीवल्ली नाराज होती है और पुष्पराज सफाई देते हुए कहता है कि उसके एक हाथ में फोन था, दूसरा हाथ कहां चला गया पता नहीं चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी सीन पर बवाल हुआ। ये रोमांटिक सीन दर्शकों को रास नहीं आया, जिसके बाद इस पर दर्शकों ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवा दी। इसके अलावा भी ये फिल्म अपने लॉन्ग रनिंग टाइम को लेकर आलोचना झेल रही है, जिसके बाद मेकर्स ने कड़ा फैसला लेते हुए इस सीन पर कैंची चला दी है। सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो ये सीन फिल्म के फाइनल प्रिंट से हटा दिया गया है, जिसके बाद अब ये सीन दर्शक नहीं देख पाएंगे। बता दें, ये अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की पहली फिल्म है। इन दोनों की जोड़ी को ही दर्शकों ने ऑन स्क्रीन पसंद किया है। फिल्म में रश्मिका मंदाना ने डी ग्लैम रोल प्ले किया है, जिसके लिए एक्ट्रेस ने अपना स्किन शेड भी डार्क किया है। इसके अलावा ये अल्लू अर्जुन और सुकुमार की साथ में तीसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों सितारे आर्या और आर्या 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा ने ब्लॉकबस्टर फिल्म का खिताब हासिल कर लिया है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।